गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे विल बी डूइंग सम मोर थिंग्स। कुछ हम कर चुके हैं, कुछ हम करने वाले हैं। एवरेज स्पीड हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ इज एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? फार्मूला तो आपको पहले से पता है एवरेज स्पीड का क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो इफ दिस इज द फॉर्मूला, तो स्पीड एवरेज कैसे निकालोगे? स्पीड एवरेज निकालने के लिए आप जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी अपॉन टोटल टाइम करेंगे, ठीक है? तो लेकिन अगर मान लीजिए आप दो इक्वल हाफ की बात कर रहे हैं, दो इक्वल हाफ मतलब ये डिस्टेंस और इसके आगे वाली डिस्टेंस, ये दो इक्वल हाफ हैं। यहाँ टाइम t1 लगा, यहाँ टाइम t2 लगा, यहाँ आप u वेलोसिटी से गए, यहाँ v वेलोसिटी से गए, लेकिन ये डिस्टेंस सेम है। ये भी x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है। या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, आप पहले यहाँ से यहाँ गए और उतने डिस्टेंस में वापस आ गए। जब इधर को गए तो u थी वेलोसिटी, जब इधर को गए तो v थी। यहाँ टाइम t1 लगा, यहाँ टाइम t2 लगा, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे। तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है, एवरेज स्पीड वी एवरेज, वो होता है 2 यू वी अपॉन यू प्लस वी। व्हाट इज द फॉर्मूला? देन द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज 2 यू वी अपॉन यू प्लस वी, ठीक है? सपोज आप अपने घर से स्कूल गए और फिर वापस घर आए, आपने डिस्टेंस जो कवर करी वो थी 20 किलोमीटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंस डिस्टेंस दोनों में इक्वल रहेगी। आप 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गए थे और 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वापस आए, तो एवरेज स्पीड जो आपकी रहेगी वो रहेगी 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो ये कितना हो जाएगा वी एवरेज? ये हो जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन 50। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? वी एवरेज हो जाएगा 120 अपॉन 5, ठीक है? या तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 8 या 40, 8 3 या 24, तो 24 कर लो, ठीक है भाई? तो आपकी v एवरेज हो गया 25 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर फॉर एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ये नाइन्थ वाला ही फॉर्मूला है, नाइन्थ में ही हमने करा था, लेकिन हमें आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। थियोरेटिकली वी आर नॉट लेफ्ट आउट विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दैट। वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन क्लास 9। सो दैट विल बी अ होमवर्क। आप ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करो, जो आप 9th में भी कर चुके हो। अभी जो हम करने वाले हैं वो सीधे कैलकुलस मेथड से करने वाले हैं, क्लियर? तो जो सबसे पहले हम देखेंगे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, एक बार फिर देख लेते हैं। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर ये होती थी ऐसे, और फिर होती थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सो हेयर वी आर गोइंग टू प्रूव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन सी मेथड से हम इनको कर रहे हैं? कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे, तो मुझे बताओ हमने क्या लिखा था? a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखा था। तो डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डी टी। कैलकुलस मेथड का मतलब जिसमें डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन यूज हो। डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब देखो, अब आपको इसमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने का तरीका, इंटीग्रेशन में फिर बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है? x डी एक्स है, तो लिमिट किसके टर्म पे लगती है? डी एक्स, ठीक है? अगर इवन ये होता एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ तो दो टर्म है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ डी एक्स है, डी एक्स का मतलब है लेंथ के टर्म पे आपकी लिमिट लगेगी, क्लियर? अब देखो, सपोज आपने जब देखा रोड पे इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे, आपने देखा जो वेलोसिटी थी वो ऑब्जेक्ट कितनी है? यू, ठीक है? आप रोड पे खड़े हुए, आपने देखा टी इक्वल टू जीरो सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट आपके सामने से गई है, और ये कार आपके सामने से गई है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? यू।
इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं जनरली ऐसे लिख लेता हूँ, टाइम इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी इक्वल टू यू। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है यू, क्योंकि देखो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ तब मैं लिमिट भी लगाऊंगा, यहाँ किसके टर्म पे लगेगा, जो डी वी डी एक्स डी टी उसके टर्म पे, यानी कि यहाँ वेलोसिटी के टर्म पे लिमिट आएगी, यहाँ टाइम, तो हम वही लगा रहे हैं। फिर जब टाइम टी सेकेंड हो गया, यानी कि 3 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी तो बदल गई, वेलोसिटी पहले 20 है फिर 50 हो गई, यानी कि पहले अगर यू थी तो फिर वी हो गई। समझ में आ रहा है? आप रोड पे खड़े हुए, सबसे पहले जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा उसकी वेलोसिटी थी यू, थोड़ी देर बाद जब टाइम बदल गया यानी कि जीरो से टी, यानी कि मान लो 5 सेकेंड हो गया, तो वेलोसिटी यू की जगह कितनी हो गई, वी, यानी कि कुछ भी मान सकते हो उसे 50 60। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले तो इसको ऐसे लिख दो डी वी इक्वल टू ए डी टी, और फिर लिखो इंटीग्रेटिंग, अबव इक्वेशन विद गिवन लिमिट, विद गिवन लिमिट, गिवन लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, देखो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, यानी कि दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन लगा देना है। लिमिट किसके टर्म होती है, डी वी और डी टी। अब देखो जब टाइम जीरो था, हम नीचे से शुरू करते हैं, जब टाइम जीरो था डी टी के टर्म पे लिमिट लगाई तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी यू, आप रोड में खड़े हुए सबसे पहले जब आपने वॉच देखी तो आपने कहा अच्छा अब मैं काउंट करना शुरू करूंगा 0 1 2 3 4, जो सबसे पहले आपने देखा वेलोसिटी थी यू, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर कुछ भी आ रहा है। थोड़ी देर बाद 5 या 10 सेकंड बाद, यानी कि जो टाइम हो गया टी, 5 सेकंड को टी मान लिया, तो यहाँ वेलोसिटी आपने देखी जो 30 थी वो 50 हो गई, कुछ भी मान सकते हैं, वो हो गई वी। अल्फाबेटिकली हम कह रहे हैं जीरो में यू था और टी टाइम बाद उसका वी हो गया। बच्चे कहते हैं सर जीरो सेकंड में कैसे वेलोसिटी हो सकती है, जीरो सेकंड का मतलब है जिस समय आप टाइमिंग काउंट करना शुरू कर रहे हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी टी का टी, तो डी वी का कितना हो जाएगा वी, लिमिट क्या आएंगी यू एंड वी, ए बाहर आया, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा ए टी, 0 to t, यानी कि LHS में आपका ये आया, RHS में आपका ये आया। अब हमारा काम क्या है, अब तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, बस लगाइए लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेंड ये है इसकी जगह अपर लिमिट v, माइनस इंटीग्रेंड ये है इसकी जगह लोअर लिमिट, फिर a अपर लिमिट t माइनस 0, तो कितना हो गया at, तो v इक्वल टू कितना हो गया u प्लस at, ठीक हो गया। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी प्रूव हो गई, यानी कि बिना इंटीग्रेशन के हमारी गाड़ी अभी हल्द्वानी स्टेशन पे ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ सकती, हल्द्वानी तो फिर भी ठीक है, जहाँ पे हमें वहीं पे रहेगी, जितना हमारा नॉलेज है वहीं रहेगी। अगर हमें आगे बढ़ना है, इफ़ यू हैव वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, देन वी हैव टू गो थ्रू दैट इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन पार्ट। नाउ इफ दिस इज डन, शैल वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़े। तो पहली इक्वेशन तो प्रूव हो गई, अब आपको लगाना है दूसरी इक्वेशन, यानी कि ये प्रूव करना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, लिख लीजिए, कॉस करके लिखना है, आपको पता है तो कोई दिक्कत है नहीं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यू, इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम, एंड ए एक्सीलरेशन, ठीक हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करते हैं। अब जो मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, देखो ध्यान से देखना, v कितना होता है dx अपॉन dt, तो dx कितना हो जाएगा v dt, ठीक हो गया। अब इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने से पहले हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी रखो, तो dx कितना हो जाएगा u प्लस ए टी, और v की जगह रखा और यहाँ कितना आया dt, यही आया, तो dx कितना हो गया dt, अंदर मल्टीप्लाई करो u dt प्लस ए टी डी टी, ये आया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें लिमिट लगानी, तो हम वही लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद गिवन लिमिट, विद गिवन लिमिट।
अब इक्वेशंस को हमें इंटीग्रेट करना है गिवन लिमिट के साथ। अब लिमिट किसके टर्म पे होंगे, देखो यहाँ dx है यानी कि पोजिशन, ये dx जो है ये पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट का सब्ट्रैक्शन होता है, dt टाइम होता है, ठीक हो गया। तो अब हम बता रहे हैं सपोज t इक्वल टू जीरो पे यानी कि टाइम इक्वल टू जीरो पे आपकी जो पोजिशन थी, आपकी जो पोजिशन थी वो थी जीरो यानी कि आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम इक्वल टू टी पे जो आपकी पोजिशन आई वो आ गई, आप कुछ मीटर आगे बढ़ गए, ठीक। टी इक्वल टू जीरो पे पोजिशन भी जीरो, फिर उसके बाद टी टाइम आपका जब टी हुआ तो पोजिशन आप आगे बढ़ गए, कुछ मीटर आप आगे बढ़ गए। तो इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने ये क्यों लिया, देखो यहाँ टाइम की लिमिट थी, यहाँ पोजिशन की लिमिट थी, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखो इस तरफ मैं रख लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब रखना शुरू करो, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, dx इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। यहाँ पोजिशन की लिमिट लगेगी, तो जब टाइम जीरो था तो पोजिशन भी कहाँ थी, जीरो, आपने काउंट करना शुरू करा, और जब आपका टाइम t था तो आपका पोजिशन कहाँ हो गया, कुछ मीटर आगे। अच्छा, कुछ जगह इसे ऐसे भी लिखा जाता है x1 x2, ठीक है, कैसे भी लिखो, x1 x2 का मतलब ये है यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। तो t इक्वल टू जीरो पे आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करा, तो ये डिस्टेंस हो गई x1। t इक्वल टू t टाइम के बाद आप यहाँ पहुँचे तो पोजिशन क्या हो गई, x2। तो वहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे जो लिमिट आ जाएंगी वो x1 x2 आ जाएगा, और x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। या फिर आप ऐसे कर दो, पोजिशन इज इक्वल टू जीरो और है, ठीक हो गया। अब dx का इंटीग्रेशन करने से पहले इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, और यहाँ u बाहर ले आते हैं क्योंकि dt के टर्म पे इंटीग्रेशन होना है, यहाँ a बाहर ले आएंगे क्योंकि t के टर्म पे इंटीग्रेशन होता है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय टू, बस वैल्यू पुट करो, u t माइनस जीरो प्लस a t स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, वैल्यू पुट करो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया u t प्लस a t स्क्वायर बाय टू यानी कि हाफ a t स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया आपका क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरा अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर डिक्टेट कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखें, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो और क्लोज ले आते हैं, और भी क्लोज ले आते हैं, और भी क्लोज ले आते हैं। तो आप देखो कहाँ से शुरू करा, v इक्वल टू dx बाई dt से शुरू करा, तो dx की वैल्यू आ गई v dt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v की जगह हमने u प्लस at रखा, तो dx की वैल्यू हो गई u प्लस at dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें लिमिट लगानी है। LHS पे देखो dx है यानी कि पोजिशन है, तो पोजिशन के टर्म पे हम लिमिट रखेंगे, इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो ज़्यादा दिक्कत है तो, और dt को आप टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बस। अब क्या है, अब इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ और लिमिट लगाइए, जब टाइम जीरो पोजिशन जीरो हमने मान लिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, टाइम जीरो पोजिशन भी मेरी जीरो, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब थोड़ी देर बाद 5 सेकंड के बाद मैं यहाँ से 5 मीटर आगे बढ़ गया, तो टाइम की जगह लिखा 5, पोजिशन सपोज मैं 10 मीटर आगे बढ़ गया 5 सेकंड में, तो पोजिशन की जगह लिखा 10, तो वही हमने यहाँ भी करा, वेरिएबल के फॉर्म में लिखा। फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, LHS RHS दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, हमने इनकी वैल्यू रखी और बस इसको सॉल्व कर दिया, और हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। चलिए ठीक है, अब गौर से देखना, यहाँ पे मैंने दो तरीके से आधा आधा सॉल्व करा है, इसलिए करा है क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ से शुरू करते हैं, फिर बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर शुरू कहाँ से करना है, हमारी बुक में तो ऐसा लिखा है, कुछ कहते हैं हमारी बुक में तो ऐसा लिखा है, दोनों ही मेथड सही है, ठीक है, रास्ते अलग अलग हैं, तरीका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। v इक्वल टू dx अपॉन dt से शुरू करा, a इक्वल टू dv अपॉन dt, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो dx अपॉन dt वाले को, इस वाले को मैंने dv और से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो मैथमेटिकली क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यहाँ dv अपॉन dt को मैंने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। पहले अब यही वाला देखते हैं, फिर ये वाला देखते हैं, यहाँ तक आने के बाद सब कुछ सेम। अब मैंने क्या करा, dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dv था, इस dv को मैं यहाँ ले गया, इस dt को मैं यहाँ ले गया, तो मैथमेटिकली तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना,
तो डी वी यहाँ चले गया, डी टी यहाँ चले गया, ठीक है। अब ये डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, ए, और ये क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी वी। ये डी वी को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, वी डी वी, और ये क्या बन गया, ए डी एक्स। ए पहले लिख लिया और डी एक्स फिर लिख लिया, इतना ही आया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कहाँ से शुरुआत करी थी, ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी को मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे हमने इन दोनों को इंटरचेंज करा था, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लीजिए। डी एक्स इधर आ गया, डी टी इधर चले गया, डी एक्स अपॉन डी टी वी बन गया, ठीक है। और डी वी अपॉन डी एक्स को ऐसे ही रहने दिया, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करा, ए डी एक्स हो गया, और वी को हमने डी वी से पहले लिख लिया तो वी डी वी हो गया। तो क्या यही रिलेशन आ रहा है, देखो, ए डी एक्स ए डी एक्स, वी डी वी वी डी वी। तो क्या कोई फर्क पड़ा, हमने चाहे ए डी वी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी से शुरू करा या वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से शुरू करा, हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है। प्रदीप, एस एल अरोड़ा, दिनेश, सब में ये अलग अलग हो सकता है, कुछ में ऐसा कुछ में ऐसा, यहाँ तक आने के बाद तो सब एक सा ही होना है। अब देखो, अब हमें करना है इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अबव का मतलब कोई भी ले लो, विद गिवन लिमिट। गिवन लिमिट मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अच्छा, यहाँ देखो क्या है, डी वी यानी कि इंटीग्रेशन किसके टर्म पे, वेलोसिटी, और यहाँ क्या है, डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन किसके टर्म पे, पोजिशन, ठीक हो गया। अब आप कैसा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने ऐसा करा है, इसको और ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, चलिए बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर दिखे। सपोज गिवन लिमिट, यहाँ समझ जाना गिवन लिमिट लिखा है, छोटा सा आपका घर यहाँ है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे पहुँच गए, आप एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करके आप यहाँ पहुँच गए। तो मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे पहुँचे होगे तो क्या आपकी कोई वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। तो सपोज यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है यू, जिस समय आपने एक्स वन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, या फिर हम ये कहें यहाँ पे आपका जो पोजिशन आई वो एक्स वन, पोजिशन का मतलब पोजिशन कोऑर्डिनेट आपने पढ़े होंगे एक्स एक्सिस में, यानी कि ये कितना मीटर है, आप यहाँ पे पहुँचे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने देखा, इसको ऐसे ही लिख लो फिलहाल, एक्स वन आप यहाँ पहुँच गए, थोड़ी देर बाद आपने देखा आप यहाँ पे पहुँच गए, आपने वेलोसिटी बढ़ाई और आप यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई वी, तो मुझे बताओ ये क्या आया, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी है, आप यहाँ पे थे, आपने वहाँ से काउंटिंग शुरू करी है। जब आप यहाँ थे तो आपकी वेलोसिटी थी यू, थोड़ा आगे बढ़ के आपकी वेलोसिटी होगी वी। यहाँ था ओरिजिन, यहाँ था एक्स वन, और यहाँ क्या है, एक्स टू। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया, जहाँ से आपने लेना शुरू करा, ओरिजिन से लेना शुरू नहीं करा, आपने सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे देखा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने घर पे हैं, घर से आप 1 किलोमीटर आगे चले गए, जब आप 1 किलोमीटर आगे चले गए तब आपने देखा, अच्छा बताओ मेरी वेलोसिटी क्या है, आपने स्कूटी में देखा 20 किलोमीटर पर आ, क्लियर, वो आपकी हो गई यू, और आपका 1 किलोमीटर हो गया, आपकी पोजिशन घर से आपकी पोजिशन कहाँ है। फिर आप जब आपको देर हो रही थी, आपने स्पीड बढ़ाई, तो आप 2 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तो आपने देखा जब मैं घर से 2 किलोमीटर आगे पहुंच गया तो मेरी वेलोसिटी जो 20 थी वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल वही है, आपने यहाँ सबसे पहले देखा आपकी वेलोसिटी थी यू, पोजिशन थी एक्स वन, फिर आपने देखा यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वी, पोजिशन है एक्स टू। तो इन दो पॉइंट के बीच में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। बस फिर क्या था, हमने लिमिट ली, हमने लिखा इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद गिवन लिमिट, ये है गिवन लिमिट, जब पोजिशन एक्स वन है, इतनी है पोजिशन एक्स वन है, तो वेलोसिटी कितनी है यू, जब पोजिशन एक्स टू है यहाँ तक ये वाला, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक्स टू पोजिशन, तो वेलोसिटी कितनी है वी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें तो इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या करा, इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यू वी, और यहाँ क्या लगाया, एक्स वन टू एक्स टू। यहाँ पे आपका वी डी वी था तो वी डी वी लिखा, यहाँ ए डी एक्स था तो ए डी एक्स लिखा। अब देखो, मैंने अभी यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि राइट साइड में आपका ए कांस्टेंट था, उसको बाहर लिया, डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स वन टू एक्स टू, वी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट अब आ जाएंगी, यू वी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ए बाहर लिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लोअर लिमिट एक्स वन, अपर लिमिट एक्स। अब देखो, अपर लिमिट इंटीग्रेंट की जगह रखी तो v की जगह v रखो तो v आएगा, तो v स्क्वायर बाई टू, माइनस लोअर लिमिट रखी तो कितना आया, u स्क्वायर बाई टू, तो v स्क्वायर अपॉन टू माइनस u स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू a, और ब्रैकेट में लिखा x2 माइनस x1।
अब ये आया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्सेलरेशन इन टू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया था। अच्छा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, ये एलसीएम लेके आ गया, या वन अपॉन टू पहले भी बाहर ले सकते थे, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, यानी कि आप चाहे यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं लेकिन आप यहीं पहुँचेंगे, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और कहीं कहीं पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लिमिट में वो क्या करेंगे, अब ये अगर आपने कर लिया है इसको पॉज कर लीजिएगा, कहीं कहीं पे वो कहते हैं हमारी पोजीशन जीरो है तो वेलोसिटी यू है, हमारी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो वेलोसिटी आपकी वी है, तो वहाँ पे वो लिमिट ऐसे ले लेंगे तब भी वो ठीक है। यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ तो मैंने जहाँ से अपनी पोजीशन लेनी शुरू करी मैंने उसको जीरो मान लिया, वही रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो वहाँ मेरी वेलोसिटी थी सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने वहाँ पे लिया 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं दौड़ते दौड़ते मैंने स्पीड बढ़ाई, थोड़े आगे पहुँच गया और वहाँ पे मैंने ली वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट था जीरो के मुकाबले 5 मीटर या 10 मीटर, तो मैंने देखा लिमिट ऐसे चेंज हो गई। तो कैसे भी आप लिमिट लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका ठीक आएगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन से हमने करा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से, आई होप ये आप सभी लोग अब कर पाएंगे।